जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं इस मामले पर अब सीआरपीएफ का भी बयान सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया कि राहुल गांधी ने खुद 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। ये तस्वीरें 24 दिसंबर की है, जब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया। यात्रा का पहला चरण तो उस वक्त दिल्ली के लाल किला पर समाप्त हो गया, लेकिन सियासत का नया दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दावा किया। बुधवार को पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि दिल्ली में 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में सेंध लगी। पुलिस राहुल गांधी के इर्द गिर्द भीड़ को नियंत्रित कर घेरा बनाने में नाकाम रही, जबकि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र में यह आग्रह किया कि अब जब आगे पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में राहुल गांधी और यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 दिसंबर को स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही राहुल गांधी के आसपास घेरा बनाना पड़ा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा कांग्रेस नेताओं के अतीत में हुई हत्या का भी उल्लेख किया। कहा कि सरकार को प्रतिशोध की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और कांग्रेस नेताओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को सीआरपीएफ ने जो बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि राहुल ने 2020 से अब तक कई बार सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया। सीआरपीएफ ने बताया कि राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े। इस बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिला। इस यात्रा में दिल्ली में क्यों थी, इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, और ये एक फितरत है, एक बचकाना व्यवहार है राहुल गांधी का कि वो नहीं समझते कि ये जो कानून है, जो प्रोटोकॉल है, जो एजेंसी के मानक हैं, उनको प्रोटेक्टी को भी मानना होगा, पालन करना होगा। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिलहाल दिल्ली में विश्राम के दौर में है। जनवरी के शुरू में यात्रा के उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर जाने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।